हेलो एवरीवन कैसे हैं आप इस उम्मीद के साथ आप अपने घरों में अपने बच्चों के और अपनी फैमिली के साथ शाद होंगे ये मैंने आज अपने लिए एक जंपर बनाया था तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करूं और आप लोगों को भी सिखाती हूं मैंने ये कैसे बनाया इसकी टोटल लेंथ जो है वो ट्वेंटी सिक्स इंच है ठीक और ये आप हैरान होंगे कि मैंने इस तरह इसको पिनअप क्यों किया हुआ है ये एक मिस्ट्री है जो कि आप जब आप सारी वीडियो देख लेंगे तब पता चलेगी अभी तो मैं इसको पि ऐसे पिनों को निकालती हूं और पिन निकालने के बाद ये, ये भी इधर भी पिनने और मैंने इस साइड पे भी ऐसे पिनने सारी लगाई हुई थी ये सारी ये मेरा ये से मेरा ये जंपर है ओके इससे पहले कि हम ये सीखना शुरू करें आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और इस ये एंड तक आप हाँ देखिएगा फिर पता चलेगा कि मैंने ये पिनअप क्यों किया था चले अब हम सीखना शुरू करते हैं एक्चुअली इस कार्डिगन के लिए हमें तकरीबन तो 350 ग्राम वूल चाहिए होगी ये मैंने 100 100 ग्राम के फोर बॉल लिए हैं और ये देखिए इसमें लिखा हुआ है हंड्रेड परसेंट इक्रे लिखा है ये और इसमें 280 मीटर अप्रोक्सीमेटली इसमें वूल है 280 मीटर थोड़ा सा थिक है थोड़ी सी थिक सी है तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने प्लाई है प्लाई इसको काट के हम इसको जब रिवर्स करेंगे ये देखें ये थ्री प्लाई वूल है ये देखें वन ये थ्री इसमें थ्री स्ट्रेंट है थ्री प्लाई वूल है ओके और इसके लिए जो मुझे नीडल चाहिए वो फोर एम एम की हैं मैं इस तरह की नीडल को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ जो वायर के साथ होती है उससे ये होता है कि आपके एक हाथ नहीं टायर्ड होते बहुत हैवी नीडल नहीं होती इतनी लॉन्ग नहीं जाती वरना आपके हाथ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो अगर आप इसके लिए टू हो जाओ तो ये बहुत ही अच्छी है ठीक तो चले हम अब सबसे पहले ये तकरीबन मैंने स्टिच सिक्सटी स्टिचिंग डाले हैं जस्ट वो सैंपल के लिए ताकि आपको मैं पैटर्न अच्छा सा सिखा सकूं उसके बाद हम कार्डिगन की ये बॉर्डर के मैं स्टार्ट लेने वाली हूं पहली सिलाई तो आप एक उल्टा और एक सीधा फिर एक सीधा उल्टा पर नीट करके बना लेंगे ठीक है अब ये करेंगे हम पहले वाला तो ऐसे उठा लिया ये जो रोंग वाला उल्टी वाली साइड है उल्टा है उसको हम पीछे से बनाएंगे ऐसे ठीक और जो ये सीधा है उसको ऐसे नहीं बनाएंगे उसको इधर पीछे से बनाएंगे फिर ये जो उल्टा है वो इधर से निकाल के बनाएंगे सीधा है इसको पीछे से बनाएंगे इसको इधर से इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट करते हमने बॉर्डर बनाना है ठीक अब अब हम ये इसको उठा के रसी ले लेंगे अब इस ये रॉन्ग वाली उल्टी साइड उल्टा है हमारे पास इसको हम फिर पीछे से बनाएंगे जो सीधा है हम उसको सीधा बनाएंगे जो उल्टा है वो उल्टा बनाएंगे ये देखिए ऐसे ये बॉर्डर बन गए ये थोड़ा सा ना नीट आला, ये नीट टच आने लग गई ओके ये आप जितना चाहें एक या दो, दो इंच का बॉर्डर बना लें ठीक अब हमने डिज़ाइन शुरू करना है डिज़ाइन को ये है कि फाइव का डिज़ाइन बनता है दो गैप होते है हैं जैसे ये मैंने दो इसको दो को सीधा बना लिया ये रॉन्ग साइड है मेरी मैं रॉन्ग साइड से पार्टीशनिंग करने लगी हूँ ये मेरी रॉन्ग साइड है ठीक है ना और इसके बाद मैंने फाइव इसके ऐसे फाइव उल्टा बना लिए फोर एंड फाइव ये मैं पार्टीशनिंग कर रही हूँ पैटर्न के लिए फिर मुझे दो सीधे कर लिए फिर फाइव मुझे फिर रॉन्ग बनाए और ये दो दोनों उसके सीधे हो गए ठीक अब हमने ये करना है कि इसको मैं ऐसे उठा लूँगी इसको मैं ऐसे ही उठा के ये मेरा उल्टा बनाना है मुझे एक धागे को मैं देखें आप ऐसे भी उठा सकते थे ठीक ऐसे उठा के भी ऐसे करते थे लेकिन मैं ज़रा धाग़ पहले इसको सीधा उठाती हूँ उठाने के बाद फिर मैं धागा आगे लेके आती हूँ इसको मैं आपको बताऊँगी मैं ऐसे क्यों करती हूँ ये इसका मैंने उल्टा बनाया इस तरह ये ऐसे ना बन जाते हैं जिसको काउंट करना भी आसान होता है और सीना भी आसान होता है ठीक है सिलाई भी नीट होती है जब आप उसको सीते हो दो मैंने जो पार्टीशनिंग के गैप के बोलिए अब ये कि ये टू का मुझे वन करना है टू का बहुत आसान पैटर्न है टू का वन किया धागे को आगे किया इसको मैंने वैसे ही बना लिया फिर धागा आगे किया और टू का वन हो गया इसमें यह हुआ कि जब मैंने टू का वन किया तो मेरे पास एक लेस हो गया था मैंने धागा आगे किया और फिर ये बनाया फिर ये टोटल फिर भी मेरे पास द एंड फाइव ही हो गए ठीक है अब ये दो मुझे उल्टे बनाने हैं अब फिर मुझे टू को वन करना है धागा आगे लेके आना है थ्रेड उसको वूल को यौन को फिर मुझे इसका एक बनाना है फिर यौन ओवर करनी है और ये मुझे इसका टू का वन करना है और यौन ओवर करने के बाद इसको मुझे ऐसे रोंग बना लेनी है ठीक अब रॉन्ग साइड जो है वो जहाँ पर्ल है वहाँ पर्ल बनाएंगे जहाँ नीट है वो नीट करेंगे और इसी तरह जो सीधा है वो सीधा करेंगे अब इस तरह ये अब मैं यहां बिखाती हूँ ठीक अब मैं इसको ऐसा सीधा भी ले सकती थी ऐसे मैंने ऐसे नहीं किया मैंने धागे को ओवर करके इसको ऐसे पकड़ा करने के बाद फिर इसको पीछे लेके गई ठीक और ये ऐसे ये पूर, फिर पूरी जो उल्टा है वो मुझे उल्टा करना है ये दो सीधे हैं पार्टिशनिंग के ये मुझे सीधे करने हैं फिर मुझे ये सेकंड रो मुझे इसी तरह इसको करनी है और ये मैं एंड वाले ऐसे बना लूंगी ठीक अब ये अब देखना है अब मैं ये कह रही हूं कि इसको मुझे ऐसे नहीं उठाना यहां इधर से मुझे इसको सिलाई को सीधा करके सीधी सिलाई को और फिर आगे लेके आना है ठीक फिर ये मैं इसको बनाऊंगी और ये मुझे ये इसी तरह थर्ड रो मुझे ऐसी ही बननी है जो सीधे हैं वो सीधे बनेंगे जो उल्टे हैं वो उल्टे बनेंगे ये फाइव सीधे बनेंगे फिर दो उल्टे बनेंगे ओके okay. अब फोर्थ रो जो है ये फोर्थ रो का बनता है डिजाइन फिर रिपीट होता है फोर्थ रो में इसको फिर मैंने उल्टा उठाना है उठाने के बाद पीछे करना है और यहां जो उल्टे हैं वो उल्टे बनेंगे ये फोर रो मेरी बन गई ठीक अब इसी तरह पैटर्न ने दोबारा रिपीट होना है अब फिर रिपीट होगी फर्स्ट रो दो को वन कर लिया मैंने टू का वन आगे की और एक बना ली फिर मुझे यॉन ओवर की फिर टू का वन कर लिया दो मेरे ऐसे रोंग उल्टे बनने थे फिर टू का वन किया ओवर की, एक बनाया फिर योन ओवर फिर टू का वन अब फर्स्ट ए फर्स्ट रो में ही ऐसे करना है बाकी जो थ्री रो होंगी वो हमने ऐसे ही बनानी है जो रॉन्ग साइड है वो रॉन्ग बनाएंगे जो राइट है उसको उसको सीधा है वो सीधा बनाएंगे अब ये थर्ड रो मेरी वो भी ऐसे ही ये ऐसे डिजाइन बनता चला जाएगा अब फोर्थ रो मेरी फिर उसी तरह चले जी ये देखें ये देखें ऐसे डिजाइन बन गया ओके इसी तरह अब फिर रिपीट होगा इसी तरह ये पैटर्न रिपीट होता चला जाए मैंने ये देखे इसी तरह ये अपनी सूरत के लिए ये बैक साइड का इस तरह पैटर्न ये सारा बना के रखा हुआ है ये मैंने टोटल स्टिच डाले हैं 128 ट्वेंटी एट वन ट्वेंटी एट मैंने ये स्टिचेस डाले हैं ये फाइव के ये होते हैं टू पार्टिशनिंग फाइव दिस टू पार्टिशनिंग इस तरह ये आप कहो कि सेवन पे ये सेवन 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 पे ये रिपीट होता है सेवन सेवन ठीक है ना ये ऐसे ये 128 वन ट्वेंटी एट काफ़ी ये बिग साइज़ है ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ है अगर आप इसको छोटा करना लेस बनाना चाहते उतना बड़ा नहीं बनाना चाहते तो आप इसके ये ऐसे सेवन सेवन आप अपने जो आपके पास कार्डिगन है आपका उसको जंपर है जो भी उसकी आप देख लें मेजरमेंट कर लें जितना है उस हिसाब से है, लेकिन आप सेवन सेवन के हिसाब से बढ़ाएंगे सेवन लेस करेंगे सेवन ही ज़्यादा एक्स्ट्रा करेंगे ठीक है ना बढ़ाएंगे और ये देखें मैंने इसकी लेंथ ये देखे मेरी ये फिफ्टीन तक हो गई है मुझे इतनी ही चाहिए थी ये फिफ्टीन इंच तक ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ से लेके मैंने ये फिफ्टीन इंच तक मुझे जो चाहिए था ये हो गया है कम्प्लीट ओके अब अगला है कि मुझे इसकी शोल्डर की कटिंग करनी है ये देखे मैंने इसको इस तरह वर्कआउट किया हुआ है ये कंसीडर करें ये हमारा शोल्डर है ठीक उससे पहले हम ये सबसे पहले फोर कम करेंगे yeah. हम इसके वन टू थ्री फोर स्टिचेस पहले सब कम करेंगे फिर वन टू करेंगे नेक्स्ट uh, राव में फिर अगली दफा हम ये वन करेंगे टू uh, करेंगे फिर फिर वन वन इस तरह वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन टाइम हम वन वन करेंगे और उसके बाद हम एक वैसे रो लीव कर देंगे फिर वन करेंगे फिर टू दफा लीव करने के बाद हमने एक दफ़ा करना है ये टोटल मेरे पास सेवेंटीन स्टिचेज फोर सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन स्टिचेज मेरे पास कट होंगे ओके okay? शोल्डर के लिए अब मैंने इसको ऐसे उठाऊंगी और इसको बनाने के बाद वन कट हो गया टू थ्री एंड फोर फोर कट करने के बाद बाकी रो मुझे ऐसे ही डालने लेनी है सीधे हैं वो सीधे बनाने हैं जो उल्टे हैं वो उल्टे बनाने हैं ठीक ये मैं ऐसे पूरी फाइव सीधा इसको पूरी रो को इसी तरह कंप्लीट करूँगी ओके okay? मैंने इसी तरह पैटर्न के हिसाब से उसको करते इस रो को पूरा कंप्लीट कर लिया था मैंने जब ये शुरू किया था तो यहाँ मैंने फोर कम किए थे ये पूरी रो मैंने इसी तरह कंप्लीट कर ली है अब हम रॉन्ग साइड पे आएंगे तो फिर हम इधर से भी यहाँ से भी हमें फोर लेस करने हैं ठीक है क्योंकि दोनों दोनों तरफ से शोल्डर की कटिंग होनी है इसको पीछे करने के बाद मैंने टू थ्री एंड एंड फोर ये मुझे फोर यहाँ से भी कम और बाकी मुझे ये मेरी रो वैसे ही कंप्लीट करनी है जो उल्टे हैं वो मुझे ऐसे उल्टे बनाऊंगी जो सीधा है वो मैं सीधा बनाऊंगी जी ये देखिए इधर से भी मेरे फोर मैंने कट करने के बाद पूरी रो कंप्लीट कर ली है और ये देखिए यहाँ और ये मेरा जो मैंने एक आपको दिखाने के लिए ये ड्रॉ किया था इसमें ये क्या किया है हमने ये फोर कट कर लिया है तो इसको हम मार्क कर लेंगे अब हमने क्या करना है नेक्स्ट टू वाला टू को मार्क करें नेक्स्ट टू हमने कट करने शुरू करने टू ये हमारे टू कट हो गए बाकी मुझे रो ऐसे ही अब अब ये पैटर्न रिपीट होना है पैटर्न रिपीट होना है अब मैं टू को वन आगे फ्रंट फिर आगे फिर ओवर, और ये इसका टू का वन जी ये मैं पूरी रो कंप्लीट करते करते यह हैंड पे आ गई हूँ यानी कि मुझे ये थे फोर एंड टू पहले फोर लेस हुए फिर टू लेस हुए ठीक अब फिर रॉन्ग साइड पे मुझे यहाँ से भी टू को लेस करना है वन एंड टू ओके ये मेरे टू कट हो गए बाकी रो मैं एज इट इज रिपीट करूंगी जो मेरे पास सीधे है वो सीधे बनाऊंगी जो उल्टे है वो उल्टे बनाऊंगी अब ये मैंने इसको इधर से भी कर ली है टू कम कर लिए, ये पूरी रो मेरी ऐसे कंप्लीट हो गई है और इस, इसके बाद हम इसी तरह इसी तरह मैं अब ये वाले टू कट करूंगी ओके okay? फिर ऐसे वन वन करती जाऊँगी करने के बाद जब two, three, four, five, six, मैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन टाइम मैं वन वन कट कर लूँगी तो वन टाइम मैं मिस कर दूँगी फिर नहीं मैं करूँगी फिर मैं एक और कट करूँगी फिर दो टाइम मैं, मैं, मैं मिस कर दूंगी फिर मैं एक कर कट इससे ये होगा हो कि थोड़ा सा ऐसे शेप में आएगा ना ये शोल्डर बनते बनते ठीक है जी मैंने ये शोल्डर की कटिंग कर ली है जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ मैंने फोर कट किए टू कट किए टू कट किए फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन टाइम मैंने वन वन कट किया ये देखिए ये सारे वन वन कट हैं उसके बाद मैंने एक को लीव किया रो को उस पर कोई कट नहीं किया इसको ऐसे ही रहने दिया फिर मैंने नेक्स्ट स्लाई पे उसको कट कर लिया फिर मैंने वन टू टाइम इसको वैसे सिलाइयाँ डाली वन एंड टू टाइम उसके बाद फिर मैंने और एक कट कर लिया ये थोड़ा सा फिर इस तरह थोड़ी सी सलान सी शेप आ जाती है ठीक है और ये टोटल मेरे सेवेंटीन कट हो गए उसके बाद मैं इसको ऐसे ही बनाती चली गई सीधा सीधा ठीक अब है हमारा यहाँ पे गले की कटाई यहाँ मुझे गले की कटाई करनी है उसके लिए या तो आप इसको टेप से माप लो लेकिन मैं ये करती हूँ यहाँ से काउंट कर लेती हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये थर्टी हो गए थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री एंड थर्टी फोर थर्टी फोर टाइम ये मैंने सिलाइया डाली हैं शोल्डर के लिए ये ये गला है ठीक यहाँ ये थर्टी मैं इधर से शोल्डर के लीव करूंगी थर्टी ही मैं इधर से लीव करूंगी और ये मिडल के जो पार्ट है ये मुझे कट कर देने है. अब हम सबसे पहले काउंट कर लेते हैं यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ये मेरा शोल्डर होगा ओके ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन फिफ्टीन टाइम टू जटीन ये और ये हमने यहाँ से हमने गले की कटाई करनी है ये हम देख लेते हैं टोटल कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन ये ये थर्टी फोर मुझे अब कट करने हैं लेकिन उसको मैं एकदम से ऐसे नहीं कट कर दूँगी इस तरह करूँगी तो ये स्क्यर हो जाएगा ना मुझे राउंड शेप बनानी है अब मैं ये करूँगी कि ऐसे थ्री टू वन इधर से थ्री टू वन इधर से ये मैं लीव करने के बाद देखती हूं मुझे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेंटी टू पहले मैं कट करूंगी ओके इसको इसी तरह पैटर्न को हमने बनाना है ये हाफ पैटर्न था यहाँ पे टू रॉन्ग बनेंगे ये टू का वन होगा खो ठीक ये मैं इसको निकाल देती अब ये ऐसे है कि मुझे ये मेरा नेक है यहाँ मिडल वाले मैं ट्वेंटी टू एक दफा से कट कर दूंगी वन टाइम कट कर दूंगी फिर मैं नेक्स्ट सिलाई पे थ्री कट करूंगी फिर मैं नेक्स्ट सिलाई पे टू कट करूंगी फिर मैं वन कट करूंगी और इसके बाद ये कैरी ऑन होगा इसी तरह यहाँ से मैं थ्री कट करूंगी टू करूंगी वन कट करूंगी ये बाकी ऐसे कैरी ऑन हो जाएगा ठीक ये हमारी फॉर्मेशन बनी है इस तरह थर्टी तो मैंने ये बना लिए अब मैंने सिक्स अभी वैसे ही बना लेने हैं है। सिक्स में वन ये टू थ्री फोर फाइव सॉर इसको मैं वैसे मुझे, मुझे बनाना पड़ेगा इसको फाइव एंड सिक्स ये दो बनाने के बाद बाकी मैं इसको अब बंद करना शुरू कर दूंगी दो बन इसको उठाने के बाद मैं इसको बंद कर दिया वन टू थ्री नाइन्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी टू ये मेरे पास इधर से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहां से भी रिमेनिंग रह गए ठीक अब बाकी सिलाई मैंने एज इट इज वैसे ही डाल लेनी है इसको कंप्लीट करना है अब हमने नेक्स्ट क्या करना है अब हमने वन टू थ्री कट करनी है वन टू एंड ये थ्री बाकी हम उसी तरह सारी बना लेंगे देखिए करने के बाद कट करने के बाद मैंने कंप्लीट करके फिर वापस आ गई हूँ यहाँ पे यहाँ पे फिर मुझे अभी टू कट करनी है ठीक है वन एंड टू कट करने के बाद बाकी मैं पैटर्न को ऐसे ही रिपीट करते हुए कंप्लीट कर लूँगी जी मैंने टू के बाद वन कम कर लिया था उसके बाद ये मैंने वन टू थ्री ऐसे तक ना सिलाइया वैसे ही डालनी करते हो गया ये मेरा यहाँ पे मेरे ये थर्टी स्टिचेज हैं शोल्डर के अब मैंने यहाँ से देखा कि इतना मुझे शोल्डर लॉन्ग चाहिए था इतना लंबा ये मेरे मैंने यहाँ से काउंट किया ये अप टू वन टू थ्री फोर करते करते ये फोर्टी तक ऐसे काउंट आ रहा है ऐसे मैं मैं यूजली काउंट कर लेती होती उससे फिर बिल्कुल एक्यूरेट बनता है कोई बड़ा छोटा साइज़ नहीं होता ये होता है कि सम टाइम अगर इंटी ये इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है अगर आप इंटरी टेप से करते हो तो समाइम वो लम छोटा बड़े होने के चांसेस होते हैं इसमें ये होता है कि ऐसे मैं काउंट कर लेती हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऐसे करते करते मैं अप टू फोर्टी तक गई हूँ ठीक है ना फोर्टी करने के बाद आप मुझे इसकी शोल्डर को बंद करना है उसके शोल्डर को बंद करने का तरीका ये है कि मैं एकदम से सारे बंद नहीं करूँगी इसको मैं थोड़ा सा स्लांट करूंगी यानी कि पहले मैं ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट तक मैं इसको बंद करूँगी उसके बाद मैं ये वैसे ही वैसे ही डाल लूंगी सिलाई को इस ठीक ये इतना कट हो गया था अब फिर मैं एट स्टिच मोर कट करूंगी मैं आगे कर ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट करने के बाद ये सिलाई मैं वापस वैसे ही डाल लूँगी ये मैंने एट, एट करके टूटा मैं बंद कर लिया अब ये सारा मैं अब मैं ये सारे एक दफा से बंद कर लूंगी ये सारे, अब मैं इधर से बंद कर ये देखिए ये। मैंने धान से धागा कट करके इसको इधर से ऐसे बंद कर लिया ये मेरा थोड़ा सा स्लॉट सा शोल्डर ये थोड़ा सा ऐसे जब हम सीएँगे तो ये ज़्यादा खूबसूरत आएगा वरना यहाँ से पॉइंट ही होता है यहाँ से कार्डिगन सारा अच्छा कटिंग के साथ अच्छा बना हो तभी पहना हुआ अच्छा लगता है और मैं रेडीमेड वाले जो होते हैं वो ये करते हैं कि बनाते हैं और उसको कैंची से कट कर देते हैं ना सीजर से लेकिन मैं इसको कटिंग में लाती हूँ मेरी एक साइड इसी तरह कंप्लीट हो गई नेक की अब मैं ये साइड भी ऐसे करूँगी थ्री को कट करूंगी टू करूंगी वन करूंगी और इसी तरह बना के इसको फिनिश कर दूंगी और मेरी बाइक साइड बैक साइड कंप्लीट हो जाएगी ओके okay? जी ये मैंने ये देखें यहाँ से भी थ्री टू वन करके करते करते यहाँ से शोल्डर कम कर लिया उसी तरह जब मेरे या यहाँ से फोटी मैंने काउंट किया काउंट करने के बाद एट एट करके इस तरह ये शोल्डर थोड़ा सा स्लॉट हो गया ठीक और ये मेरी बैक साइड कंप्लीट हो होगी ऐसे ओके okay? अब ये है कि मैंने फ्रंट साइड का वन पार्ट कंप्लीट करके रखा हुआ है टाइम की सेविंग के लिए ये देखें इसी तरह मैंने शोल्डर को उसी तरह करने के बाद ये दीप गले के साथ थोड़ा सा मैंने बना के रखा हुआ है दूसरा पार्ट मैं इनशाला आपके साथ बनाऊंगी ठीक ये देखें देखे, उसकी बॉर्डर की पट्टी के लिए लीव कर पट्टी मैं जोड़ती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है नीट लगती है वरना ये ये वाला थोड़ा सा खिंच मुझे वो नीट नहीं लगता ठीक है वो मैं आपको बताऊंगी ये कैसे मैं डालती हूँ लेकिन मैंने इसके स्टिचेस इकट्ठे ही डाल लिए क्योंकि फिर जब यहाँ से सिलाई करते हैं तो वो इतना नीट नहीं लगती है ना स्टिचेस इकट्ठे डालने के बाद मैं इसको सेफ्टी पिन में डाल लेती हूँ और फिर इसको बाद में बनाऊँगी अभी हम इसका ये सेकेंड पार्ट बनाना शुरू करते हैं ओके मैंने वन का हाफ सिक्सटी प्लस टेन मैंने पट्टी के लिए 64 प्लस 74 टोटल मुझे स्टिचिज डाल जी ये देखें मैंने 74 फोर इसकी स्टिचिज़ डाल लिए हैं और ये देखें ये एक पार्ट ये एक तो ये है ना पार्ट फ्रंट हाफ़ और दूसरा फ्रंट हाफ मेरा ऐसे होगा पट्टी ओके इस मैंने ये टेन जो है वो सीधे सीधे वैसे बना लेने हैं बाकी से मैंने बॉर्डर स्टार्ट कर देना है जैसे ये टेन देखें मैंने सीधे वैसे ही डाले हुए हैं ओके इसको मैं टेन को वैसे ही बनाऊंगी पीला खाना मैं बना लेती हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन बाक़ी का मैं उसी तरह बॉर्डर स्टार्ट करूंगी एक दफा ये पहली तो मैं एक दफा उल्टी एंड सीधी वैसी डाल लूंगी एक उल्टा एक सीधा नेक्स्ट सिलाई पे फिर हम इंशाल्लाह बॉर्डर स्टार्ट करते हैं जी ये ये मैंने कंप्लीट करने के बाद तो नेक्स्ट बॉर्डर की सिलाई शुरू की हुई है बॉर्डर की आपको मैं दोबारा एक दफा रिमाइंड करा ये जो सीधा है उसको मुझे पीछे से ऐसे बनाना है और वो जब उल्टा उल्टा आगे करके जब जो उल्टे वाला है उसको मुझे ऐसे पीछे से लाके ऊपर बनाना है ठीक है फिर ऐसे करो ये इसी तरह ये बॉर्डर मुझे कंप्लीट करना ऐसे ये ऐसे आगे लाना है मुझे देखने की ये टेन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये टेन मेरे वो जो पट्टी के रह गए इसको हमने बनाने नहीं हैं इसको मैं ये करूँगी इसको इसके अंदर सेफ्टी पिन के अंदर हम बंद कर देंगे ये वन टू थ्री फोर फाइव यस ये टेन जो है ये हम पट्टी के हैं जो कि हम बाद में बनाएंगे यहीं से फिर वापस मैं इधर से बनाना शुरू करूँगी ये सीधा है तो मुझे पीछे से करना है ऐसे इसी तरह मैं ये बॉर्डर बना लूँगी और इतना मैं बॉर्डर बनाने के बाद फिर पैटर्न स्टार्ट करती हूँ ये मुझे मैंने अपना बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है ये ये फ्रंट साइड है ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है ओके बैक साइड से हम एक्चुअली डिजाइन के लिए पार्टीशन शुरू करते हैं और ठीक फाइव हमारे उल्टे होंगे क्योंकि जो फ्रंट पे आके सीधे हो जाएंगे वन टू थ्री फोर एंड फाइव ओके टू सीधे होंगे जो के पार्टी उसके हैं गैप के फिर फाइव इसी तरह ये रो कंप्लीट हो जाएगी वन टू वन टू थ्री फोर फाइव और ये एंड के वन एंड टू ओके ये मेरे डिज़ाइन की पार्टिशनिंग होगी अब यहीं से मैं एक दफ़ा मैं फिर बता दूँ ये मैं जब ऐसे उठा के धागे को आगे ले आऊँगी इससे ये होगा कि ये एक ऐसे बन जाएगा जो कि कर काउंट करने में आसान होती है okay? ओके करने के बाद अब मैं ये टू का वन करना है यॉन ओवर इसको वैसे ही बना लेना है यॉन ओवर टू का वन करना है फिर ये टू उल्टे बनेंगे ये सारा इसी तरह टू का वन यॉन ओवर ऐसे ये सारा मैं इसी तरह पैटर्न बना के जब मैं यहाँ तक इतनी लेंथ तक बना लूँगी फिफ्टीन इंच लेंथ तक बना लूँगी तो फिर हम शोल्डर कटिंग करेंगे और उसके बाद इसकी नेक कटिंग होगी ओके ये मैंने सारा इसको रिक्वायर्ड लेंथ तक पूरा कर लिया है ये 15 इंच तक मैंने बनाया था बनाने के बाद फिर मुझे उसी तरह शोल्डर कम किए जैसे मैंने आपको बताए लेकिन बैक पे ये हुआ था बैक पे मैंने किए थे पहले फोर कम किए फिर टू टू वन वन करके सेवन टाइम कट किए फिर वो लेकिन ये बैक साइड थी ओके उसकी लेकिन फ्रंट पे मैं ये कर रही हूँ ये मेरा ये मेरा शोल्डर है फ्रंट पे ऐसे कर रही हूँ कि पहले तो मैं फोर टाइम कट किया फोर मुझे स्टिचेस कम किए फिर वन टू थ्री टाइम मैंने टू टू स्टिच कम किया वन टू थ्री फोर फाइव मैंने वन वन करके फाइव टाइम्स कम किए फिर मुझे एक रो वैसे ही लीव कर दी उसके बाद मुझे वन कम किया फिर मैंने टू लीव करने के बाद इसको फिर ये कम कर दिया और बाकी ये सारा इसी तरह कैरी ऑन हो गया ओके ये जैसे मैं आपको दिखाती ये देखें ये मैंने फ़ोर लेस किए पहले कम किए कट किए फिर टू 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 करने के बाद मैं वन टू थ्री फोर फाइव टाइम मैंने वन वन कम किए और ये वाली ये देखें ये रो मैंने वैसे छोड़ दी उसके बाद मैंने ये कम किया फिर वन टू मैंने ये देखे वन टू मैंने वैसे ही छोड़ दी फिर ये वाला कट हुआ उसके बाद ये सिंपल ऐसे हो गया ओके okay? बैक पे ये था कि मैंने इसको जब काउंट किया था बैक थर्टी फोर थर्टी फोर तक जब मैं पहुंची थी तो मैंने नेक की कटिंग की थी नेक कटिंग हुई थी मेरी ठीक नेक कटिंग हुई थी लेकिन जब मैं फ्रंट हाफ पे आई हूँ इस पे मैंने ट्वेंटी एट काउंट किए हैं जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन एंड ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट के बाद मैंने यहाँ मैं जब करते करते डालते डालते ये मेरा फ्रंट हाफ है फ्रंट इस पर पहुंची ट्वेंटी एट पे मुझे नेक कटिंग की है नेक कट हुई है मेरी ओके okay? सही और कटिंग यहाँ बैक साइड पे फिर करते करते जब मैं फोर्टी काउंट पे पहुंची फोर्टी काउंट किया मैंने फोर्टी तक काउंट करने के बाद मैंने शोल्डर शोल्डर कटिंग की ओके शोल्डर कटिंग हुई मेरी इसी तरह ये मैं करते करते जब 40 पे पहुंचूंगी तो फिर मैं शोल्डर कटिंग स्टार्ट करूंगी ओके आई होप कि आपको समझ आ गई होगी ये मैंने 28 तक पूरा किया अब मैं इस साइड से नेक की कटिंग करना शुरू करूंगी नेक कटिंग करने के लिए ये देखें ये मैंने ये मिडल की पट्टी बटन वाली पट्टी है यहाँ मैं थर्टी मुझे यहाँ फिर शोल्डर के लिए लीव करने हैं यहाँ पहले यह पहले मैं इसके पहले फोर कट कर लूँगी इसी तरह मैंने यहाँ कट किया ओके okay? पट्टी गेट फोर ये टेन ऐसे ही लीव होंगे अभी ओके okay? फिर मैं थ्री कट करूँगी फिर मैं टू कट करूँगी फिर मैं टू कट करूँगी फिर, फिर इस तरह वन 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 ये कितने हो गए फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन इस तरह मैं करते करते अप टू नाइन्टीन तक कट करूँगी ओके जी ये मैंने फोर कट कर लिए हैं ये मेरे हृदय गलती हो गई थी यहाँ से मुझे नाइन्टीन नहीं बल्कि सेवनटीन कट कट करने हैं ये सेवनटीन कट करनी है ओके उसके लिए मैंने फोर कट कर लिए अब मैं ये थ्री कट करूँगी ओके okay, फिर मैं टू टू ऐसे वन टू थ्री टू फाइव टाइम मैं करूँगी इसके बाद वन करूंगी और ये मेरी नेक की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी ओके okay? जी ये मैंने नेक के फोर थ्री टू टू वन 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 ऐसे करके ये कम कर लिए पूरे टोटल सेवनटीन मेरे ये स्टिच कम हो गए हैं और ये थर्टी मेरे शोल्डर के लिए रिमेनिंग रह गए हैं ठीक और इधर से अगर तो आप हाँ इधर से आप इ, इजी होता है कि आप काउंट कर लो ऐसे काउंट करते करते यहाँ से सारे मेरी फोर्टी तक हो गई हैं ये यहाँ से यहाँ से यहां रो मेरी फोर्टी तक हो गई है ठीक है ना यहाँ से मैं शोल्डर के लिए आप कटिंग करूंगी उसके लिए जैसे मैंने बताया था कि मैंने शोल्डर थोड़ा सा स्लांट करना है पहले मुझे एट मैंने कम कर लिए वन टू थ्री देखे ये मैंने एट डाल अब फिर इस जो रिमेनिंग है और फिर मैं उसमें से एट को कट कर दूंगी ओके okay. अब जब यहां होंगे यहां से फिर मुझे सारे इसको क्लोज कर देने सारे स्टिचेस बंद कर देने ये मेरा ऐसे थोड़ा सा सलांट सा शोल्डर रेडी हो गया इसको कट करने के बाद मैं इसको इसको बंद कर दूंगी ओके okay? एक फ्रंट हाफ ये बना हुआ है एक मैंने ये बना लिया ये दोनों रेडी हो गए और ये मिडल में पट्टी आएगी ठीक ये ऐसे इनको इधर से शोल्डर से ज्वाइंट करूंगी ये थोड़ा सा डीप ये है वो ये कि ये जो पट्टी बनाई थी इसी को मुझे ही से स्टार्ट करनी है इसको उठाऊंगी और निकाल के इधर से तो यहीं से इस पट्टी को बना बनाना शुरू कर दूंगी इधर से आ जाए हम सीधी दोनों तरफ से बनाती चली जाना है ठाके ऐसे बस इसी तरह सीधा सीधी ये पट्टी बनाती चली जानी है जी ये मैंने ऐसे पट्टी बनाते हुए यहाँ तक आ गई हूँ मैं बताना चाह रही हूँ कि मैं इसको कैसे सिलाई करती हूँ एक्चुअली ये मैंने देखे एक इधर से यहाँ और एक यहाँ से ऐसे इसको सीते चले जाओ लेकिन मैं यहाँ से मैं टू उठाऊंगी ये मैंने टूट कट्ठे उठाए हैं और इधर से एक ठीक वन ये टू अब जब थर्ड पे आऊंगी थर्ड टाइम पे मैं दो इट्ठे उठाऊंगी ठीक ऐसे इस तरह ये बराबर बराबर थिक थिक सी बनेगी फिर हो, हो गया अब फिर मैं ऐसे वन टू अब मैं जब थर्ड पे आऊंगी तो इन दो को मैं इकट्ठे उठाऊंगी थर्ड टाइम इस तरह वन वन टू को तफा इकट्ठे ऐसे मुझे ये पट्टी लगानी है ओके इस तरह इसको सीते चले जाना है ये देखें और यहां से भी नीट लग रही है वन हो गया टू और ये मैं इसको टू को इकट्ठा ठाऊंगी इसी तरह आप ये ये सारी इसी तरह यहां तक पट्टी कंप्लीट कर लें जी ये मैंने इसकी पट्टी ऐसे बना के सारी ऊपर तक सीली है ये बड़ा का जम्पर है तो ये सारी यहाँ तक ऐसी मैंने सी ली और यहाँ पे आके मैंने इसको सेफ्टी पिन में इसको बंद नहीं किया सेफ्टी पिन में डाल लिया ठीक इसी तरह फिर मैंने दूसरी साइड से यहाँ से स्टिचेस को उठाया इस को उठाने के बाद जैसे उसी तरह बनाना शुरू कर दिया लेकिन इस दौरान मैं उनके बटन होल बनाती गई जैसे अगर मैं शुरू करती हूँ यहाँ से बटन होल तो यहाँ तक तो तो ये टू एंड हाफ इंच सॉरी थ्री एंड हाफ इंच है थ्री एंड हाफ इंच पे ये बटन होल बना है लेकिन uh, मैं हर दफ़ा थ्री एंड हाफ इंच नहीं करती मैं इनको ऐसे काउंट uh, कर लेती हूँ ये एवरी एटीन के बाद मेरा बना है जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एंड एटीन एटीन ये रिजिस के बाद या जो सीधी सीधी सिलाइयों के बाद ये एक होल से दूसरे होल तक ये एटीन के बाद फिर जब मैंने और एटीन काउंट की है तो ये हो गया इस तरह मैं बनाती हूँ आपको जैसे ईजी लगता है अगर आपने इंची टेप से ये मन ट्री एंड हाफ इंच पे करना है तो उस पर कर ले या आप एटीन तक इसको काउंट करके कर ले ठीक है और इस ये साइड भी मैंने ऐसे ही की वन टू फिर जब थर्ड पे आई तो मैंने टू दफा उठा लिया फिर वन टू जब थर्ड पे आई ये मैंने टू दफ़ा उठा लिया अच्छा इस तरह ये थोड़ी सी बराबर बराबर और अच्छी बैलेंस बनती है वरना ये ऐसे गैदर्स ही होती है वो जो अच्छी नहीं लगती ओके okay? अब नेक अगला स्टेप है इसकी नेक बनाना नेक के लिए मैंने इनके शोल्डर को आपस में सी लिया है ये देखिए दोनों तरफ से सिलाई कर ली है और अब इधर से इसके स्टिचेस उठाएंगे राउंड सारे आइडियली वैसे जो मैं बनाती हूँ वन फिफ्टीन टोटल मुझे अच्छे लगते हैं बिल्कुल फिट नेक आती है वन के आ, तो हम ऐसा करते हैं वन फिफ्टीन को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक थर्टी सेवन मैं यहाँ से यहाँ तक बनाऊँगी और थर्टी सेवन ही मैं यहाँ से यहाँ तक उठाऊँगी ठीक है ना क्या कितने हो गए थर्टी सेवन थर्टी सेवन सेवनटी फोर सेवेंटी फोर में हम अगर आप बैक पे ये हम फोर्टी uh, अगर उठाते हैं तो ये हो जाएंगे वन फोर्टीन ठीक है ना इतने वन फोर्टीन अब ये हम करेंगे थर्टी फोर्टी वन हम या फोर्टी वन या फोर्टी टू हम एक दो ज्यादा या कम हो जाए उससे मैटर नहीं होता थर्टी सेवन में ट्राई करूंगी मैं यहां से उठा लू थर्टी सेवन इस साइड से उठा लू और बैक से मेरी कोशिश होगी मैं फोर्टी टू वोट उठा लू ठीक है ना आ, अब चले अब सबसे पहले तो ये टेन ऑलरेडी है ये टेन इसके ऑलरेडी है ये भी हमने उसी में ऐड करने है आ, मैं ये तो टेन ऑलरेडी है इनको मैं ऐसे ही बना लूंगी अब टेन ट्वेंटी सेवन मैं कोशिश करूंगी मैं यहां से इस ये जो शोल्डर की सिलाई तक ट्वेंटी सेवन उठाऊ सम ये होता है कि अगर आप न्यू हैं फर्स्ट टाइम बनाने लगे हैं तो एक दो, दो दफा दोबारा मेहनत करनी पड़ती है मेहनत से घबराइएगा नहीं क्योंकि जब एक दो दफा आप बना लोगे कोई चीज तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि चीज़ें कैसे बनती हैं ठीक है ठीके? ये अले, अलेवन अलेवन थोड़े थोड़े गैप के बाद ट्वेल्व 13 14 15 16 17 18 19

ट्वेंटी एट एंड थर्टी थर्टी ये मेरे हो गए यहाँ तक मुझे सेवन और उठानी है ओके थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स और ये शोल्डर पे हम आगे ये देखें ये थर्टी सेवन ये मेरे यहाँ से थर्टी सेवन मैंने उठा लिए ओके ये मेरे थर्टी सेवन हो गए अब मैं यहाँ से लेके कर यहाँ बैक साइड पे इसी तरह था उठाऊंगी ये इसका मिडल है यहाँ मुझे ट्राई करनी है फोर्टी टू तक उठाने के लिए ठीक है ना इस मिडल यहाँ मिडल है तो इसमें मिडल को यहाँ मार्क कर लूँगी ठीक और मेरी कोशिश होगी मैं यहाँ से लेके कर यहाँ तक ट्वेंटी वन स्टिच उठाऊँ One, two, three, four, five, six, five, six, seven, eight, nine. 10 11 12 13 14 15, 15 16 17 एटीन नाइनटीन ट्वेंटी एंड ये मार्च तक ट्वेंटी वन ये मेरे ट्वेंटी वन हो गए ओके थर्टी सेवन प्लस ट्वेंटी वन ये टोटल हो गए हैं थर्टी सेवन ट्वेंटी वन एट फिफ्टी एट अब मैं फिफ्टी एट ही दूसरी तरफ से उठाऊँगी तो ये हो जाएगा वन सिक्सटीन टोटल मेरे स्टिचेस हो जाएंगे ओके okay? 50 मैंने 50 आ, 58 तक उठाए हैं ये हाफ ऑफ द ये जम्पर हो गया ठीक इसी तरह मैं यहाँ तक 21 उठाऊंगी और ये फिर मैं 37 सेवन होंगे ओके ये मैंने सारे उठा लिए हैं और ये जो पट्टी के टें थे ये भी मैंने उठा के बना लिए हैं इस तरह आप देखेंगे कि जो जो पट्टी है इस कार्डिगन का पार्ट ही लगती है सेपरेट सिली नहीं लगती ना ऊपर से और ना ही इधर से ये देखे ना इधर से ओके छोट ये छोटी छोटी बातें जब कार्डिगन में इतना नीटनेस लाती हैं तो फिर जब पहनो तो फिर और ही मजा आता है ना आप बनाओ इतनी मेहनत करो और छोटी छोटी गलतियों से वो कार्डिगन इतना नीट नहीं लगे इसको बस दोबारा पूरा सीधा सीधा मैं बना लूंगी गले को ये ऐसी इसी तरह ये सेवन रिज तक हम इनशाला बनाएंगे और एक हमारा आखिरी बटन होल भी बनने वाला है मैंने ये देखे इसका गला बनाते बनाते यहाँ तक आ गई हूँ ये मैंने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स रिजिस बनाई हैं अब मेरी जब ये होने लगी है स्टार्ट सेवन तो मैं इसको ख़त्म करने वाली हूँ मेरे ख्याल में इतना इनफ है से इसको उठाऊँगी बस इसी तरह जैसे सिंपल बंद करते हैं ऐसे मेरा बंद हो गया ठीक ये इस दौरान मैंने ये बटन होल भी बना लिया था आ, अब ये देखते हैं हम नेक कैसी बनी है ये देखिए मैं आपको इसकी दिखा रही हूँ इसकी नेक बनी हुई जब हम ऐसे इसको बटन लगाएंगे ये और ये जब इसको ऐसे बटन लग जाएंगे और इसको जब पहनेंगे यूज करेंगे तो इसकी ऐसे शेप बन जाएगी देखिए राउंड शेप सी ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं है ठीक है अगर आपने डीप करना है तो आप कटिंग थोड़ा सा कर लीजिएगा डीप अब अगला स्टेप है हमने पट्टी बना ली सब कुछ बना लिया अब नेक्स्ट स्टेप है स्लीव्स के एक्स्ट लीजिए थोड़े से हेल्दी लोगों के लिए है, ये ये स्लीव्स हैं मेरे मैंने स्लीव जो बना एक बनाया है लेकिन मैंने हाफ़ स्लीव बनाया है मैंने इसके फुल स्लीव नहीं बनाए जो मैं घर के लिए यूज़ करती हूँ वो ज़्यादा मैंने हाफ़ स्लीव यूज़ करती हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान मुझे नमाज़ें पढ़नी होती हैं तो फिर बार बार वज़ू करने से बाजू गीले हो जाते हैं सर्दियों में वैसे भी घर के काम करते हो अगर बाजू गीले हो जाए तो इसलिए जो भी घर के लिए मैं बनाती हूँ वो मैं हाफ़ स्लीव बनाती हूँ क्योंकि शर्ट के फुल स्लीवस हों शर्ट फुल स्लीव हो ऊपर से ये हाफ़ पहनना हो तो ये सर्दी नहीं लगती इसके आपके शोल्डर सब कुछ कवर्ड होती है सिर्फ इतने बाजू हो जाए तो इतना नहीं घर के अंदर फील नहीं होता तो मैं इसके मैंने तो इसके हाफ़ स्लीव्स बनाए हैं लेकिन मैं आपको वर्कआउट करके बताती हूँ इस तरह इसको मैं ज्वाइन करूँगी वर्कआउट करके बताती हूँ कि आप फुल स्लीव भी कैसे बना सकते हो ठीक है अगर आप फुल बनाना चाहते हो फुल बना सकते हैं अगर आप हाफ बनाना चाहते हैं तो हाफ़ बना सकते हैं आप ये समझिए ये मेरे मैंने स्लीव्स बनाए हैं ये ऐसे ये मेरे स्लीव से हैं इसके मैंने 91 वन स्टिच लिए 91 और ये बढ़ते चले गए यहाँ तक बॉर्डर बना बॉर्डर बनने के बाद ये दोनों साइडों से बढ़ते चले गए थी बढ़ते और इस तरह फिर ये इसकी कटिंग हुई बाद में ये मेरे हाफ स्लीव्स हैं उसके लिए 91 वन जब मैंने लिए बस मैंने जब इसको फोर इंच तक बनाया जब मैंने इसको फोर इंच तक यहाँ फोर इंच तक मैंने बनाया तो इसके बाद फिर मैंने इसकी कटिंग करना शुरू कर दी ठीक बनाया कैसे जब बॉर्डर बनने के बाद मैं एक तो रो वैसे बनाती गई अगली रो पे मैंने इसको वन का टू कर लिया ठीक फिर नेक्स्ट रो मैंने ऐसे कर ली नेक्स्ट रो पे फिर मैंने एक स्टिच के टू बना लिए ये फिर ये ऐसे करते करते मैं इसको फोर इंच तक बना गई इसी तरह मैंने इस साइड पे भी जब इधर बनाया तो इधर भी किया जब मैंने इधर वन का टू किया तो इस इस साइड पे भी किया इस साइड पे वैसे इसे वन के टू करते करते जब मेरी फोर इंच तक ये लेंथ हो गई तो मैंने ये थ्री 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 करके इसको कम करती गई यह मैंने वन टू थ्री टाइम कम किया फिर नेक्स्ट स्लाइड पे वन फिर इस साइड पे वन टू थ्री किया कम इधर से भी मैंने ऐसे कम किया जब इधर से किया पे दोनों साइडों से मैं थ्री थ्री ऐसे कर करके फिर इस साइड से जब मैंने सिलाई कम की फिर इस इस तरह मैं थ्री 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 ऐसे कम करती चली गई ये देखें इस साइड से मैंने थ्री कम किया फिर साथ ही मैंने इस साइड से भी कम किया फिर मुझे इधर कम किए फिर उसी जब इधर कर दिया so, दोनों साइडों से मैं जब थ्री थ्री करती गई तो ये इस तरह इसकी ऐसी शेप बनती गई और इस साइड से भी ऐसी शेप बनती गई ठीक और ये मैंने कितने टाइम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व ट्वेल्व टाइम मैंने इसको थ्री थ्री करके कट किया इस साइड से भी ये ट्वेल्व टाइम मैंने थ्री थ्री करके कट किए ठीक और ये मेरा हो गया स्लीव्स हाफ स्लीव रेडी हो गई अगर आप इसको फुल करना चाहते हो हाफ नहीं इसको फुल बनाना चाहते हो तो आप इसी तरह इसको कैरी ऑन करो ठीक ये ऐसे हो जाएगा ऐसे यहां बॉर्डर नहीं बनेगा आप यहां ऐसा करें कि फोर्टी नाइन स्टिचेस डाल लें फोर्टी नाइन स्टिच नीचे डाल लें उस तरह बॉर्डर बनाने के बाद आप दोनों इस साइड से एक बढ़ाओगे फिर ये इसका टू कर लोगे ठीक फिर टू टाइम टू रो नहीं बढ़ाओगे फिर ऐसे वरना आप इस तरह करोगे तो बाजू ऊपर तक जाते बहुत ज़्यादा खुला हो जाएगा अगर आप हर एप के बाद बढ़ाना शुरू हुए फिर एक करोगे फिर ये एक का टू कर लोगे फिर वन करोगे फिर वन का टू कर लोगे ओके फिर सॉरी ऐसे टू टू, टू टाइम के बाद फिर ऐसे टू करोगे तो फिर ऐसे वन का टू कर लोगे ठीक ये सारे आप इस तरह बढ़ाओगे जब आप इतने फोर इंच लेस रह जाओगे फोर इंच आपकी जितनी लेंथ आपको चाहिए स्लीव्स की उससे अगर फोर इंच जब लेस होगे तो आप फिर एक एक करके बढ़ाना शुरू कर दें ठीक उससे ये बाजू की शेप बहुत प्रीटी खूबसूरत और स्मार्ट बाजू की शेप आएगी क्योंकि एक जैसी ये थे कि लॉन्ग लौ, बाजू एक जहाँ होती है एकदम से यहाँ से आपको जाके ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है खुला ठीक तो वरना यहीं से बाजू ऐसे खुले हो जाएंगे और ऐसे खुले खुले से जीप से फील होंगे इसी तरह आप इस साइड पर जब एक करोगे एक का कर टू करोगे फिर टू टाइम आप नहीं बनाओगे फिर ऐसे करते करते और जब यहाँ फोर इंच की लेंथ पे रह जाओगे तो आप एवरी वन वन के बाद बढ़ाना शुरू करोगे और इसी तरह फिर कटिंग करोगे आई होप कि ये आपको समझ आ गई है आ गई होगी फिर भी आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं पूरी ट्राई करूँगी मैं आपको गाइड कर सकूँ ये इस तरह अगर मैं एक एक चीज़ आपको बना के दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है और आई मे, मेरे ख्याल में ये वर्कआउट ज़्यादा ईजी वे है बनाने का तो ये आपकी इनशाला स्लीव जब बन जाएंगी फुल या हाफ़ जैसे भी आप बनाओगे तो अगला मरला फिर उसको अटैच करने का है ये ये मैं यहाँ मेरा एंड है ये मैं इसको आ, सेफ्टी पिन से ऐसे लगा लूँगी ये ऐसे इसको यहाँ मैंने किया फिर इसका जो मिड ये वाला एंड जो है इसको भी मैं इसी तरह ये पिन से अटैच कर लूंगी सीने से पहले आप अटैच जरूर कीजिएगा इस तरह फिर आप जब सिलाई करते हो तो वो बैलेंस तरीके से सिलाई होती है वरना कहीं से खींच जाता है कहीं से ज्यादा हो जाता है ये मैंने इसको यहां कर लिया अब मेरी इस लीफ का सेंट्रल पार्ट जो है यहां मेरा सेंटर है ओके ये मेरा सेंटर है और मैं यहाँ से इसको पकड़ के ये सेंटर ये मेरा जो शोल्डर का सेंटर है यहाँ मार्क कर लूँगी ठीक ये देखें अब है ऐसे स्लीव्स अब मुझे यहाँ से इस तरह सिलाई करनी है कि यहाँ यहाँ ऐसे बराबर आए और फिर जब यहाँ मैं आऊँ तो फिर ये ऐसे ऐसे करके ऐसे बराबर आए ओके ऐसे करते करते बराबर धागा उठाते उठाते ऐसे ये स्लीव सिल जाएगी ठीक अब सबसे एंड पे जो मुझे काम करना है जो कि मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बॉर्डर वैसे तो ठीक है लेकिन मैं जो एक काम करती हूँ मैं इन सब को एक दफ़ा से दोबारा सिक्योर करती हूँ उससे बॉर्डर ये थोड़ा सा जो इसकी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है वो खुलता भी नहीं है नीचे से पहनने हुए और नीट भी लगता है उसमें आप ये करेंगे कि राइट साइड पे यहाँ से आप एक एक करके से कॉर्नर से आप उठाओगे और ऐसे एक एक हर एक हर एक स्टिच जो है ना आपका इधर से उसको उठा लोगे ये फिर अगला स्टिच ये है फिर ये है सारे स्टिचेस ऐसे उठा के मैं थोड़ा सा सैंपल आप करके करके दिखाती हूँ क्योंकि तो ऐसे आप उठाते जाओ इसी तरह आप ये मैंने उठाए ना ये आप सारे यहां से लेके यहाँ ये यह, यहाँ मेरा सिलाई आई है फ्रंट हाफ की जब मैं इसको सिया ये सारी बैक साइड ये सारा आप करते जाओ करते जाओ यहाँ भी यहाँ से लेके कर यहाँ तक आप टू इधर तक यहाँ तक आप इसको इस पट्टी तक फिनिश करो जब कर लोगे फिनिश फिर उसी को वापस सिंपल बंद करना है यहीं से अब आप मैं आपको ये एज अ सैम्पल थोड़ा सा करके दिखा रही हूँ इधर से ही आप इसको ऐसे फिर जब पूरी पट आप हो जाएगा पूरी आपकी आउटलाइन हो जाएगी तो आप इसी तरह इसको बंद करते जाओ ऐसे इसको, इसको करके आप इसको इसको बंद कर लेंगे यहां से और इस तरह ये देखो एक, एक रिज सी बनती चली जाएगी ये ऐसे ये जब आप सारे बना लोगे ना तो ये फिर थोड़ा सा नीट कंसेप्ट आ जाता है और ये बॉर्डर भी सिक्योर हो जाता है बहुत ऐसे लूज लूज नहीं होता ये थोड़ा सा ऐसे सिक्योर सिक्योर से और पहने हुए जब आप जर्सी बार बार पहनते हो ना तो ये पैटर्न ऐसा होता है कि पैटर्न खुल जाता है फिर बॉर्डर बहुत लूज सा लगता है ऐसे वो एक बड़ी नीट आएगी लुक जब मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लूँगी तो मैं आपको फाइनल भी इसकी लुक दिखाऊंगी ठीक है आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगी मेरी एफर्ट तो आ, अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आप अपने जानने वालों में आ, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें ताकि अगर कोई मेरी इस एफर्ट से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उन लोगों को भी मिले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिंदगी रही तो किसी और प्रोजेक्ट के साथ हाजिर होंगी अभी तो मैं इसके स्लीव्स बना के इसको ज्वाइन करूंगी और फाइनल लुक आपको दिखाऊँगी जी ये मैंने बना लिया है ये देखें ये सारा मैंने यहाँ से इसको उठाए ये सारे ये देखें ये उठा के फिर इसको बंद कर दिया तो ये थोड़ा सा नाइस लुक आने लग गई ना ये देखें ये सारा इसी तरह ये मैं स्लीव्स के भी कर लूँगी स्लीव्स भी यहाँ से कर लूँगी ये थोड़ी ये लूज है वो फिर ख़त्म हो जाएंगे और ये थोड़े से अच्छी अच्छी लुक आ जाएगी ओके तो फिर मेरी कार्डिगन कंप्लीट ये देखें मेरी सारी कार्डिगन बन गया है सॉरी जम्पर सारा जम्पर मैंने ऐसे बना लिया है अब यहाँ मैं बटन लगाऊंगी बटन इस वक्त मेरे पास नहीं है मैं बाय करूँगी और ये लेकिन अब ये देखते हो ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है काफ़ी स्ट्रेचेबल है लेकिन आ, आ, ऐसे इकट्ठा करता है वैसे तो जब आप इसको पहनोगे तो ये ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता लेकिन अगर आप चाहते हो इसका तरीका मैं बताती हूँ आपको इसको ठीक करने का आ, तो अगर आप किसी को बना के गिफ्ट करना चाहते हो तो वो उसकी प्रॉपर शेप में हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है तो चले मैं बताती हूँ कि इसको मैं इसको कैसे इसको ठीक करती हूँ ये मेरे पास नोटिस बोर्ड है नो, ये अक्सर ऑफिस में या बच्चों ने अपने रूम में लगाया होता है आप ऐसा करें कि इसके ऊपर एक साफ सी वैसे तो इसका कलर नहीं जाता फिर भी एहतियातन आप एक साफ सी बेड चादर ले लें और इसके ऊपर डाल लें आप इसको ऐसे बचाए ठीक ये ठीक है ना और ये बोर्ड की पिन ऐसे मिलती है बोर्ड की पिनें होती हैं आप इन पन्नों को लो और ये जहां मैंने इसको ऐसे सिलाई किया इसके अंदर इसको स्ट्रेट लगाते जाओ ठीक गया तो अब इसी तरह इसी तरह मैं यहां लगाऊंगी ठीक यहां सारे मैं सॉरी इस, इसको करके अब ये ये जो मेरा स्लीव है इनके साथ साथ मैं ऐसे लगा लूंगी ये मेरी नेक लाइन है इधर लगाऊंगी ठीक और एक शोल्डर पे यहां आ जाएगी इसी तरह मैं इस साइड पे भी करूंगी इधर भी ऐसे लगाऊंगी ओके okay. ये देखें। है मुझे इसको ऐसे खींच के इसको ऐसे खींच के ये मेरे पास बड़े साइज की इसको ड्रेस मेकिंग पिन बोलते हैं इसको मैं इसके साथ ऐसे लगाऊंगी नीचे वाले को उसके साथ उठाऊंगी ऐसे खींच के ठीक फिर थोड़ी थोड़ी गैप के बाद मैं इनको ऐसे लगा दूंगी किसी जंपर क्यों इस तरह ठीक करना चाहते हैं तो ये बेस्ट वे है आप इस अब इस वाले पार्ट को ऐसे खेच के ऐसे इसको फिर उसी तरह ड्रेस मेकिंग पिन के साथ ताकि मेरे फ्रंट पार्ट भी ऐसे ओपन हो ये इतना खुलेगा नहीं जब हम इसको निकालेंगे तो आप देखिएगा ठीक चले ये हो गया साइज को स्प्रे करके वेट कर दूंगी ये सारे पार्ट ये बहुत गर्म पानी नहीं है बहुत ठंडा भी नहीं है ये वार्म सा है काफ़ी वेट हो गया अब मैंने ऊपर से इसको थोड़ी सी ऊपर सब से 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 निकाल लूँगी और इसको ड्राई होने के लिए रख दूँगी ठीक जब ये ड्राई होगा हम इसको ओपन करेंगे तो आप देखना ये काफ़ी हद तक ये जो रिजिज़ है, ये सेटल होगी होगी। ओके ये वेट हो ये होगा तो फिर हम बाद में मैं आपसे मिलती हूँ